कपड़े चेंज करता हूँ और फिर बताता हूँ क्या सीन है। भाई फाइनली वी आर रेडी टू गो। मैं अपने भाई घर से निकल चुका हूँ, रेडी रेडी हो गए। तो सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे सारे आए हो सब, बढ़िया हो गए। कम टू माय नदर लोग, तो गाइस आप देख रहे हो रोहन वर्सेस को वर्सेस बॉक्सिंग गाइस, की सपोर्टिंग कीप लविंग। तो भाई आज का लोग स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे। तो भाई बेसिकली मैं 5 बजे उठ गया था। आज मेरा कुछ प्लान था कि भाई आज साइकिलिंग वाइकलिंग करने चलेंगे, तो आगे आगे जो भी सीन होगा सब कुछ बताऊंगा। अभी भाई मैं जैकेट तुम देख लियो भाई, 2 महीने बाद करेक्ट जैकेट पहनी, जब जयपुर गया था जब पहनी थी, तो ये भाई मेरी फेवरेट जैकेट है। हाँ तो सबसे पहले भाई मैं बता देता हूँ हम जा कर रहे हैं। आज मेरा कुछ ऐसे ही मन कर रहा था, मतलब दो तीन दिन से मन वही प्लान बन रहा था कि चलेंगे साइकिलिंग करने चलेंगे साइकिलिंग करने चलेंगे। तो आज पक्का फाइनली प्लान बन गया और भाई खुल गई जैसे जैसे करके, तो मैं रेडी होकर निकल गया। अभी बस मैं घर से निकला ही हूँ, थोड़ी सी दूर में मैं लाइट का स्पॉट ढूंढा है, मैं करा यार अब निकले हैं ढंग से तो ब्लॉग शूट करेंगे। तो आज ना मैं बाइक लेके जा रहा ना कुछ, मैं अपने लेके जा रहा हूँ साइकिल, मैं हूँ और मेरी साइकिल। देखो भाई ये मैं अपने पानी की बोतल रख ली और बस एक बार हवा चेक करने के लिए रुका था, हवा ठीक है। वैसे मैंने कल भर के रख दी थी, कल भर के खड़ी कर दी थी, कल सोच रखा था कि जाना है, तो बस हवा साइकिल रेडी है, मैं रेडी हूँ, बस चलना रेडी है। और भाई अंधेरा सा ही हो रहा है, ठंड थोड़ी सी मतलब है, मतलब हल्की बहुत ही है, मैंने बस जैकेट पहन रखी, जैकेट नहीं है टी शर्ट पहन रखी, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज भी जो भी सीन होगा सब कुछ दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, शायद अभी कुछ पक्का नहीं है, शायद भाई मेरा छोटा भाई भी चल रहा है, उसका फ़ोन आया था अभी, तो देखते हैं अभी आ जाएगा, घर से थोड़ी सी दूरी हूँ मैं, आ जाएगा तो चल देंगे। जो भी सीन होगा आगे सब कुछ बताऊंगा, आज अपनी साइकिल पे व्लॉगिंग करेंगे और जो भी सीन होगा दिखाने देखने दिखाने लायक वो सब करेंगे कंटिन्यू। तो चलो चलते हैं आगे। घर से निकले भाई 5 किलोमीटर हो चुके हैं, तो पीछे तुम देख रहे होगे भाई ये बीबीटी का शोरूम है। तो भाई हमारा मीटिंग पॉइंट है, मतलब हितेश आ रहा है, हितेश का फोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ रुक गया बीबीटी के शोरूम के यहाँ पे। तो भाई घर से निकले 5 किलोमीटर तो हो गए, पर यूँ नहीं पता कि जाना कहाँ है, पर निकले भाई, देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या सीन होगा, तो मैं दिखाता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ भाई 2-3 मिनट। ये भाई कुछ ऐसा बीबीटी का शोरूम, ये रहा मैं यहाँ, ये हमारा मीटिंग पॉइंट है यहाँ, मतलब यहाँ भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है थोड़ा पीछे रह जाता है, यहाँ मिलते सारे हिरोंडा चौक पे, ये बिल्कुल सही लोकेशन है। तो मैं आ रहा, उसका फ़ोन आ ही गया बेसिकली, तो ज्वाइन करता हूँ उससे, मिलवाता हूँ और भाई डिसाइड करते हैं कि जाना कहाँ, कुछ नहीं पता भाई अभी जाना कहाँ पे है, वो वाला पॉइंट है, अब डिसाइड नहीं हो रहा कि ऊपर जाना नीचे जाना, तो पर हम नीचे चल रहे हैं, देखते हैं नीचे क्या मिलेगा देखने दिखाने लायक। हर बार हमारे साथ ये वाला सीन होता है, अल्ट्रा में चला दिया, पर हमारे साथ ना हर बार ये वाला सीन होता है, यहाँ इस वाले पॉइंट पर जाते हैं। अब देखा होगा तुमने मेरे साथ, मेरा बड़ा भाई रहता वाला दीपांश और ऋषि दोनों रहते हैं साथ ही, बोला हम तीनों साथ रहते हैं, जब यही डिसाइड नहीं हो पाता भाई जाना कहाँ है, भाई अपना चल रही साइकिल, हाँ अपना डिसाइड नहीं होता जाना कहाँ है, यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, फिर तीन एक दूसरे पूछते भाई ऊपर चलना है नीचे चलना है, ऊपर चलना है नीचे चलना है। तो मैं कह रहा इस बार नीचे चल के देखते हैं, नीचे देखते क्या देखने को मिलेगा, उनसे पूछता हूँ मैं, मेरे दिमाग में जगह आई तो है चलने लायक। बाकी भी हम पहले जब साइकिलिंग करने जाते थे भाई, देखो एक मिनट देखो, फिर अपना चल रही है भाई, स्पीड होगी कम से कम तो 30-40 की, तो किसकी स्पीड होगी देखना, अपना चल रही चढ़ाई, अब मतलब ऊपर चढ़ानी है तो अब जोर लगाना पड़ेगा। हाँ तो भाई अब डिसाइड नहीं होता भाई कहाँ जाना है, तो देखा है मेरे दिमाग में जगह तो आई है भाई कि यहाँ चल सकते हैं और ब्लॉग बना सकते हैं, घूम भी आएंगे भाई। पहले जब साइकिलिंग करने जाते थे ना तो 40-40 किलोमीटर साइकिल करने के आ जाता था मैं, और अब घने दिनों बाद साइकिल उठाई है यार, मैं बताए बहुत दिनों सोच रहा था, पर आज मौका ही लग ही गया। तो पहले भाई पहले तो कर लेते थे, मतलब जब रूटीन बन गया था, क्योंकि मैं हर दो मतलब 2 महीने तक लगातार करी थी, तो अब से भाई मैंने ये सोचा है, 1 मार्च होगी है भाई, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब से डेली मतलब सुबह उठूँ, मतलब साइकिलिंग नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ करके रो करा जाए, मतलब उठा जाए मतलब सुबह जल्दी। तो भाई खुले लोगों में कह रहा हूँ, वीडियो बना के कह रहा हूँ कि भाई अब से मैं डेली उठूँगा भाई, बिल्कुल मैं मतलब दिखाऊंगा दूँगा भाई, उठाऊंगी वीडियो मतलब बनाऊंगा ना, तो पता रहेगी कि और मोटिवेट भी होता रहेगा आदमी कि उठेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए सोचा था, मैं कह रहा व्लॉग लूप बनाएंगे ना कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं सुबह उठ भी गया। तो फाइनली वो हितेश मिल गया बोरा, तो डिसाइड करते हैं जगह और फिर चलते हैं, और भाई एट द एंड हाँ अब से डेली सुबह उठने की कोशिश करेंगे 110%। ओके तो आप रास्ता इन्जॉय करो। फाइनली हितेश भी आ गया, अब चल रहे हैं और जगह भी डिसाइड होगी, चलें भाई हैं। तो भाई ये दोनों साइकिल है अपनी, येरी कहता मतलब जगह जब भी आ गया थोड़ी देर में आ गया था। तो भाई बेसिकली हमारा डिसाइड हो गया, हम चल रहे हैं चंद्रशेखर फार्म, तुमने सुना होगा कि वहाँ शिव जी की मूर्ति है, तो भाई आज शिवरात्रि भी है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि भाई।
तो भाई सबसे पहले हमारा सीन बन रहा है वहाँ जाने का, तो वो जगह देखने दिखाने लायक है। तो भाई अब यहाँ से कितनी दूर होगी, 12-13 किलोमीटर नहीं होगी यहाँ से भाई हमारे, मतलब हमारे यहाँ से वाई से तो हम आगे 5-7-6 किलोमीटर आगे होंगे कम से कम। अब यहाँ से 12-13 किलोमीटर होगी, तो भाई रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होगा दिखाने लायक तो वो दिखाएंगे, नहीं तो वो जहाँ जा रहे चंद्रशेखर फार्म वो देखने दिखाने की लायक चीज़ें तो वहाँ शूट करेंगे व्लॉग, और वो वहाँ दिखाएंगे क्या सीन होता है। बारह किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद यहाँ ब्रेक लिया है हमने अपने एरिया मॉल के आगे, सियासी लग रही है बस यहाँ से रह गया होगा 6 किलोमीटर है ना, हाँ 5.5-6 किलोमीटर रह गया होगा। तो भाई जो देखने आए थे वो देखने को मिल गया भाई, जब आए थे जब घर से निकले थे जब अंधेरा हो रहा था, अब भाई दिन निकल गया मतलब सनराइज हो ही रहा है भाई, इतने दिन से उठ रहे थे 8-8:30 बजे उठ रहे थे, सूरज मिलता था ऊपर और बस सनराइज हो रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा मतलब सही आ गए, बहुत सही आ गए, सुबह निकल के मूड फ्रेश हो गया अपना, बस यहाँ से रह गया होगा 3-1 किलोमीटर रह गया होगा और भाई सनराइज होएगा उस साइड हो रहा, मतलब यहाँ से दिख रहा पर ये बिल्डिंग बन रही है ना, कैमरे में रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, आँखों की जो मैं बता रहा हूँ भाई वो फील कर लेना, ऐसा कुछ हो रहा है मतलब सनराइज हो रहा है पूरा ढंग से, जो सामने से पता नहीं क्या कावड़ वावड़ आ रही है वो सब है। महाशिवरात्रि पे तो भाई तुमने चंद्रशेखर फार्म में देखा होगा ऊपर शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ अपने दर्शन वर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सही हो गया मतलब भाई इतने से मूड खराब हो रहा था, डेली उठते थे। ये है क्या इस्कॉन टेम्पल, ये रहा इस्कॉन टेम्पल, ये इस्कॉन टेम्पल देखते अगर टाइम मिल गया लग गया, ये रहा पता नहीं खुला भी नहीं है बंद ही है, क्या कहते हैं अगर टाइम लग गया वहाँ से जल्दी आगे कि भाई यूँ है कि अगर 8:30 बजे तक आगे तो यहाँ दर्शन कर लेंगे अपने, नहीं तो फिर डायरेक्ट अपने घर पे। ये भाई ये जो बनाया सुंदर वाला रोड बहुत सही बनाया, हमें नीचे रखने नीचे रखियो, ये रहे देखना ये रही मेरी साइकिल, ये वाला रोड बस पहुँच जाते हैं वहाँ पे और वहाँ दिखाएंगे वहाँ क्या सीन है, देखा होगा बाकियों ने, कईयों ने देखा भी होगा कईयों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको हम दिखेंगे भाई, ठीक है पूरा क्या क्या सीन है वहाँ। आज शिवरात्रि हो तो भाई देखो शायद कावड़ वावड़ ला रही है, देखना डाक कावड़ होती है देखो। तो भाई यहाँ पे बीटी मिल गया हमें ना उस वाले कट पे जाना है, देखो लिखा है ना जैन फार्म, तो ये भाई अभी हाईवे बना है मतलब ये वाला हाईवे अभी बना, यहाँ से तो क्रॉस कैसे करेंगे तो अब दोबारा घूम के जाना पड़ेगा, हम जब आए थे इस वाले रोड से डायरेक्ट इधर ही रास्ता था, ये बना नहीं था मतलब घने दिन हो गए 2-3 महीने हो गए जब था, तो भाई दोबारा 1 किलोमीटर वापसी ऐसे घूम के दोबारा उस साइड जाना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं अब आए तो भाई 1 किलोमीटर और सही, तो दोबारा वहाँ से दोबारा जा रहे हैं यहाँ से रॉन्ग साइड लेके दोबारा उस कट पे जाएंगे, वहाँ से स्टार्ट होगा तो वहाँ पहुँचा।